आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के हुआ तो हुआ वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर दिखावा करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने भटिंडा की रैली में कहा कि नामदार के गुरु ने दिल की बात सबके सामने कह दी। अरे नामदार, शर्म आपको आनी चाहिए। कांग्रेस की करतूतों की वजह से आज तक इन नंगा पीड़ितों को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। इससे पहले 84 के सिख दंगों पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गलत बताया। पंजाब के फतेहगढ़ साहब की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सैम पित्रोदा को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। सैम पित्रोदा जी ने 1984 के बारे में बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है और उनको देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा सौदे कांग्रेस के लिए एटीएम थे। ये रक्षा सौदे इन लोगों के लिए एटीएम था, मलाई खाना का रुपया निकालने का खेल था। कोई ऐसा रक्षा सौदा नहीं है पहले जिस पर इन लोगों पर गंभीर आरोप न लगे। सोलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस पर गाली पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। कांग्रेस को भारत माता की जैसे दिक्कत है, उन्हें मुझे गाली देने में खुशी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के भटिंडा में अकाली दल की प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के समर्थन में रैली की। कांग्रेस के पास नेता कंफ्यूज है और सोच डिफ्यूज है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। ये अपनी चुनावी जनसभाओं में जनता को ये भी बता रहे हैं कि मुझे विपक्षी दल मिलकर आए दिन नई नई गाली दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को गाली तभी दी जाती है जब वह गाली खाने का काम करता है। रविवार को प्रधानमंत्री ने अलवर रेप की घटना पर बीएसपी को चुनौती दी थी कि वो कांग्रेस की राजस्थान सरकार से समर्थन वापस लेकर दिखाए। इस पर मायावती ने कहा कि गैंगरेप और दलितों को लेकर प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी ने मायावती पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। मायावती जी, इसके जवाब दो और माफी मांगो। एक दलित बहन उधर अलवर में वेट कर रही है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने भी मायावती पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो कई एक तरफ में कांग्रेस का समर्थन करेगी और दूसरे तरफ में क्या कहते हैं कि जो है घरेलू आंसू बहाने की कोशिश कर रही है दलित महिला के मुद्दा को लेकर के। ये दोनों चीज चलने वाली क्या कहते हैं कि नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान के अलवर रेप केस में मामले को दबाने की कोशिश की गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को पश्चिम बंगाल के जाधवपुर में रैली की इजाजत नहीं मिली। शाह को तीन जगहों पर प्रचार के लिए जाना था लेकिन वो दो रैलियों में ही शामिल हो पाए। मुझे दो जगह तीन जगह पे जाना था, जॉयनगर में तो आ गया मगर दूसरी जगह ममता जी के भतीजे की सीट थी। वहां पर जाने से ममता जी डरती है कि भाजपा वाले इकट्ठा होंगे तो भतीजे का उल्टा तख्त हो जाएगा। जाधवपुर में अमित शाह के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई। बीजेपी ने प्रशासन के इस रवैये की शिकायत चुनाव आयोग से की और चुनाव आयुक्त के दफ्तर के आगे धरना दिया। नेशनल प्रेसिडेंट एक राज्य में रैली नहीं कर सकता और केवल इस डर से कि रूलिंग पार्टी टीएमसी और ममता बनर्जी चुनाव हार रही है और हार के डर से वो इस प्रकार के हथकंडे कर रही है कि लास्ट मोमेंट पे रैली की परमिशन कैंसिल कर देना। 21 मई को होने वाली बीजेपी के विरोधी दलों की बैठक टल गई है।
अब ये बैठक 23 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 21 मई को 22 दलों की बैठक का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ममता बनर्जी ने नतीजों से पहले बैठक करने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने कहा कि इस बैठक का कोई फायदा नहीं होगा। अब वो 24 मई को करते हैं या 2024 में करते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज चेन्नई में डीएमके प्रमुख स्टालिन से मुलाकात की। इससे पहले वो केरल के सीएम पी विजयन से भी मिल चुके हैं। अभिनेता से नेता बने कमल हासन के एक बयान पर विवाद हो गया है। तमिलनाडु के अरावा कुरुची में कमल हासन ने नाथुराम गोडसे का नाम लेकर कहा कि आजाद भारत का पहला आतंकी हिंदू था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कमल हासन जैसे लोग अपने देश को बदनाम करते हैं। हिंदू तो चींटी को भी गुड़ देता है, वृक्ष को जल देता, और तुम्हारे जैसे सर्प को दूध दे करके पालता है और कमल से कमल हासन बना देता है, और फिर भी गाली देते हो, अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कमल हासन के बयान पर साधु संतों में भी नाराजगी है। ये कहना कि हिंदू आतंकवादी है, मुझे लगता है कि कमल हासन जी को अपना इलाज करा लें और अपने समाज को ढूंढें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद थे। प्रियंका ने पूरे विधि विधान से पूजा की और पंचामृत से महाकाल का अभिषेक किया। उज्जैन में पूजा पाठ के बाद प्रियंका ने इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया। इंदौर के बाद रतलाम में प्रियंका ने चुनावी रैली की और केंद्र सरकार से 5 साल का हिसाब मांगा। 2014 से लेकर 2019 से एक अजीब सा सिलसिला जारी हुआ है हमारे देश में, और वो ये है कि पूरे 5 सालों से सिर्फ प्रचार ही प्रचार चल रहा है और काम नहीं चल रहा। इंदौर और रतलाम में 19 मई को आखिरी चरण में वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। गाजीपुर से महागठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी के समर्थन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती संयुक्त रैली कर रहे थे। रैली के दौरान ही दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं के बीच झड़प को मामूली घटना कहा है। गाजीपुर में 19 मई को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में 3 साल की बच्ची से रेप के खिलाफ आज श्रीनगर में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन की वजह से बाजार और स्कूल बंद रहे। पट्टन में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। पत्थरबाजी में 40 से ज्यादा सुरक्षा बलों को चोटें आई हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गुनहगारों के लिए शरिया कानून के मुताबिक सजा की मांग की है। महबूबा ने ट्वीट किया, मैं सुनबल में 3 साल की बच्ची के साथ हुई रेप की घटना की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। आज ऐसे वक्त में शरिया कानून के मुताबिक आरोपियों को पत्थर मारकर मौत की सजा देनी चाहिए। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के बयान को इंसानियत के खिलाफ बताया है। जो कानून और न्याय के अलावा शरीयत के कानूनों की बात करते हैं, इससे दुखद और निंदनीय कुछ नहीं हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि रेप जैसे मुद्दे पर सियासत शर्मनाक है। ना ही हमें इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आज बात कर रही हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को मिलके एक बात करनी चाहिए, और वो ये बात कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे इस मसले को उठाया जाए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।